बच्चे आज हम कवर करेंगे ये है प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन में सब इम्पोर्टेंट आपको रिपीट भी होता है एग्जाम में, बहुत कईटा क्वेश्चन अपना लोग रिपीट पाओ एग्जाम। सो मैं एक डिस्कस करीम। ओके, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनस, ग्रामार जिमान कईटा पार्ट मैं गोटे कईटा इत कवर करीम। प्रथम मैं कवर करूँगा। सो वो रहेगा प्रीपोजिशन। ओके, प्रथम में प्रीपोजिशन की कवर करीम। जने के याद सबो बिल्कुल, अब एग्जाम में इसको आपको घर में मतलब ऐसा सोचिए कि बाय हार्ट कर लीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने लोग ये तो मुखस्त कर लो। कारण हल बहुत कई रिपीट पा, माने रिपीटे हो, ग्रामार खी रिपीट है। इतना जने के दिया आसे, डोंट बूस्ट डैश यूर हेल्थ ऑफ यूर हेल्थ। सो एने का ऑप्शन पा अपने एम सी क्यू बनाब, ग्रामर से एमसीक्यू बनाया जाएगा। इसीलिए आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको पूरी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद द लेम मैन लिव्स डैश बिगिंग बाई बिगिंग। ओके, ही ऑप्टेन सफर डैश इलनेस फ्रॉम इलनेस। वो बुखार से पीड़ित है, उसका बुखार हो गया है, बीमार है, उससे पीड़ित है, तो फ्रॉम लगेगा, ठीक है। आई बॉट दिस पेन डैश फोर फाइव रुपीज़। ओके, ये आप तो कहते हैं 4-5 रुपीज़ नॉर्मली यूज़ किया जाता भी है। बाई नहीं होगा, देखिए बाई होता है किसी की हेल्प से कोई काम करना, विथ का यूज़ होता है कंपैरिशन दो के बीच में, बड़ा छोटा दिखाना, ये सब में विथ का यूज़ किया जाता है, तो कई जगह है। जैसे शूज आर मेड मेड, देखिए और एक बात है, यहाँ पे ऑफ लेदर का यूज़ हुआ है, लेकिन कोई चीज़ मेड का हो तो जिस तरह मैं अगर बोलूँगा बटर मेड फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम का भी यूज़ होता है, तो कंडीशन के हिसाब से चेंज किया जाता है। ओके, द स्टूडेंट वाज श्योर टू सक्सेस और इन सक्सेस ऑफ सक्सेस, तो ऑफ सक्सेस ये याद कर लीजिएगा, ऑफ सक्सेस। ओके, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट हिम, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होगा। आई वॉन्ट हिम डैश ड्राइविंग सो फास्ट अगेंस्ट, आपने वार्निंग किया कि तुम ड्राइविंग फास्ट कर रहा है, आप वार्न किया कि इस तरह का ड्राइव मत करो, वार्निंग दे दिया, तो अगेंस्ट मैंने ड्राइव के अगेंस्ट में आपने उसको वार्निंग दिया, ठीक है, तो अगेंस्ट होगा। द ब्लाइंड मैन, फिर से देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1999 में हाँ, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये वाला द लेम मैन लिव्स डैश, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन 1998 में आया हुआ था, और यही वाला क्वेश्चन तो देखिए 1999 में भी आया है, 1999 में भी आया है, द ब्लाइंड मैन सेम क्वेश्चन, तो रिपीट हो गया ना, रिपीट हुआ कि नहीं। 1998 का क्वेश्चन 1999 में रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन, इसलिए याद कर लो। उसके बाद ये है, ऑलवेज बी वेयर डैश फ्लैश फ्रेंड ऑफ होगा, आई एग्री मैन हैंकर आफ्टर मनी। देखिए मनी के पहले ज़्यादातर देखिएगा क्वेश्चन में अफ्तर का यूज़ किया गया है। देखिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका रीज़न तो अभी नहीं बता, अभी इस टाइम नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं कि अफ्तर का यूज़ कहाँ होगा, फोर का यूज़ कहाँ होगा, ऑफ क्यों यूज़ हो रहा है, ये सब। ही सेंड द लेटर डैश हैंड बाई हैंड, हमने कोई काम करना, कोई भी काम किया जा रहा है, किसके सहायता से किया जा रहा है, हाथ के सहायता से हम लेटर का काम कर रहे हैं, तो बाई यूज़ होगा। आप स्कूल जा रहे हैं बाय द बस, बाय यूज़ होगा वहाँ पे। द टाइगर लिव्स, आप अब जो टाइगर है वो जिंदा है, किसके ऊपर जिंदा है, ऑन मतलब ऊपर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑन फ्लैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह करके देखिए, मैं सब समझाऊंगा नहीं अभी, बस आपको समझा रहा हूँ रिपीट होता है किस तरह, ये सब को आपको याद कर लेना, बार बार लिख कर याद करना, एक बार नहीं दो बार तीन बार लिखो इसको, बार बार लिखो, ऐसा करो घर में प्रैक्टिस ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन को लिखा, ये ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, क्वेश्चन लिखा ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, क्वेश्चन लिखा ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, बाद में आप आंसर का जगह छोड़ दिए, मान के चलिए एक नंबर क्वेश्चन लिखा मैंने और वहाँ पे ऑप्शन लिख कर छोड़ दिया और मैं आंसर का जगह छोड़ दिया, आप लगभग 40-50 इस तरह लिख के मोबाइल बंद कर देना है, इसके बाद थोड़े समय बाद आपको टेस्ट देना है जी इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, इस तरह करके, तो आप टेस्ट दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। मुझे बस दिखाना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, देखिए ये क्वेश्चन तो ये 2001 में ये क्वेश्चन तो देखिए, ही बोट द पेन 4-5 रुपीज़, ये ऊपर दिखाया था मैंने, रिपीट हो गया ना, 2001 में आ गया ना सेम क्वेश्चन। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सक्सेस है, फिर ये वाला रिपीट हो गया ना, ऑफ वाला रिपीट हुआ,
रिपीट होगा ही, रिपीट होगा ही, बार बार बोलता हूँ रिपीट होगा। तो ये 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको करना है, बस याद कर लो, उपाय नहीं है। अरे देखिए ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ना। आई वॉन्ट हिम ड्राइविंग सो फास्ट अगेंस्ट, मैंने बोला ना अगेंस्ट, ऊपर भी हुआ इधर भी हुआ ना, तो रिपीट होगा। इसलिए मैं दे क्यों रहा हूँ, ताकि तुमको, तुम लोग बार बार लिख लिख के याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। बिल्कुल सेम रहेगा, सेम सेम ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल एकदम एज इट इज़। ये जितना दे रहा हूँ सब करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये वाला। ही सेटिस्फाइड विथ ही जॉब, वो अपने जॉब पे सेटिस्फाइड है। बस दिखाने के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं रिपीट भी दिखा दे रहा हूँ। आई कैन नॉट पार्ट टेस्ट दिस बुक, ये सब देखिए विथ का यूज़। आई वॉज सरप्राइज एट हीज बिहेवियर, ही विल कम बैक इन एन आवर। द लेम मैन, फिर से ये वाला रिपीट हो गया, ये लेम मैन वाला फिर से रिपीट हुआ, ऊपर भी लिखा था। तो जो रिपीट होता है आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि रिपीट कैसे हो रहा है, उसको उसको ज़्यादा ध्यान से देखना है। ये वाला रिपीट हो गया, फिर से ऊपर आया हुआ क्वेश्चन फिर से दिया गया है। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर हेल्थ, ये वाला, हाँ ये वाला देखिए। ही हैज़ बीन सफरिंग फेवर, वहाँ पे इलनेस ना, इलनेस था तो फ्रॉम, फ्रॉम का यूज़ रिपीट हुआ। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, असम रिच इन मिनरल्स, ये वाला भी रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हुआ ना। शूज आर मेड ऑफ लेदर, तो रिपीट होता है, बहुत बहुत रिपीट होता है। ये वाला भी रिपीट हुआ, ये वाला भी। ऑलवेज बी वेयर ऑफ फ्लेस फॉल्स, सॉरी फॉल्स फॉल्स फ्रेंड, तो बहुत सारे रिपीट है, प्राय कई कई एग्जामों में ये सब रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको ये सब करना है। इस तरह का ग्रामर आपको चाहिए, तो मैं सब बता रहा हूँ रिपीट कैसे होता है, क्या करना है, कैसे सीखना है। अभी सीखने का समय क्या है, एक एक को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन है पूरा लिख लो, यहाँ पे दाग मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये राइट है, छोड़ दो, मतलब मोबाइल में समझ जाओ। पहले ऐसा करो कि पहले इन सब को उतार लो, सेम टू सेम राइट भी मार दो, जैसा है वैसा मार दो, एक बार इसको समझ लेना है, बार बार इसको याद कर जाओ। जिस तरह, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे भी करो बस याद होना चाहिए, मेरा कहना यही है कि याद होना चाहिए कि क्या होगा। ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस पढ़ने से ही आपको मालूम हो जाएगा कि मैं तो घर में किया था, यहाँ पे ओन था, ओन ग्रास था, काउ लिव्स, गाय जो है रहता है, घास के ऊपर निर्भर है, घास खाता है गाय, तो याद हो जाना चाहिए। ही लिव्स फ्रॉम हैंड और टू माउथ, ऐसा करके याद हो जाना चाहिए, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसको लिख कर पढ़ना पड़ेगा। ओके ये देखिए मनी है तो अबतर रहेगा ही, तो कुछ कुछ वर्ड है जो दिखाई देता है, ये देखिए। और द फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है, और वहाँ पे लेदर में क्या यूज़ किया गया था, तो वो याद रखिएगा। ये देखिए, काउ लिव्स ऑन ग्रास, ग्रास के ऊपर निर्भर है, ये रिपीट हो गया। असम रिच, ये भी फिर से आ गया, पहले आया हुआ क्वेश्चन तो ही बार बार रिपीट हो रहा है। द ट्रेन बाउंड, यहाँ भी था, ऊपर भी था, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला भी एमसीक्यू बिल्कुल ऐसा बनेगा, एग्जाम में ये ऐसा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ए बी सी डी कौन सा है, तो वन होगा ऐसा एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। लीला लिप्स द विथ हर पेरेंट्स, ऐसा है। ई इज फाउंड डेस रीडिंग ऑफ रीडिंग, इस तरह करके है, इस तरह। तो बाय द वे, आपको इतना ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं एक काम करता हूँ कि अभी मैं आपको करेक्ट टेंस दे रहा हूँ।